अच्छा जी, मॉडर्न ड्रामा पे बात चल रही है हमारी। मॉडर्न ड्रामेटिस्ट जो थे, जो कि राइटर लिखने वाले थे, वो क्या कर रहे थे? अब उनका यकीन हो गया था कि अब के जो ड्रामास हैं इनके अंदर नो मोर मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेज। अब हमने स्टेज पे ये ड्रामास नहीं करने हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप थिएटर बनाए, डायरेक्टर बनाए, प्रोड्यूसर बनाए, नहीं, अब उनको पब्लिश कर दें, अब उन किताबों को छाप दें, क्योंकि पब्लिक वो प्रिंटर्स वो आ गए हैं ना, प्रिंटर शॉप्स आ गई हैं, तो बड़े जाविये पर आप ये ड्रामा पब्लिश होते हैं। तो एक और मॉडर्न ड्रामा की आपको मूड पता लग गया, आपको इसकी सेटिंग पता लग गई, ठीक है? आप ये ड्रामा स्टेज के बजाय पब्लिक पे चले गए, पब्लिश हो गए तो पब्लिक के हाथों में चले गए। अब यहाँ पर मोर क्या है जनाब? मोर रेड किए जाते हैं। अगर आप देखें तो स्टेज पे तो आने वाले 500 होते हैं, किताब तो 5,000 लोग भी ले सकते हैं, तो ये ज्यादा पढ़े जाते हैं। हम देखें अगर ये ड्रामा हेडा गैबलर नॉर्वेजियन सोसाइटी का है, तो नॉर्वे में ही अगर ये परफॉर्म होता रहता हमारे तक ना पब्लिश होके आता, तो हमारे तक कभी भी नहीं आ सकता था ना, हमने नॉर्वे जाना था इसे देखने के लिए, ठीक है? इस तरह से आप इसके पॉइंट को याद रखेंगे कि अब ड्रामास की जो सेटिंग और मूड क्या हो चुका है, अब वो पब्लिश्ड होते हैं। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ने एक और कोशिश भी की, उन्होंने कहा टू राइट ड्रामास, अब ड्रामास जो लिखे जाते हैं विच कैन बी रेड, अब ड्रामास ऐसे हों जिनको पढ़ा जाए और इंजॉय किया जाए जैसे लोग नावल को इंजॉय करते हैं। देखिए नावल छपते थे, क्योंकि नावल जरा लेंथी होता था, तो वो इतना लंबा परफॉर्म नहीं हो सकता था। ड्रामा को वो जैसे वो एरिस्टोटल ने कहा शॉर्ट होता था, छोटा होता था, हेडा की कहानी देखे 2 दिन में खत्म हो जाती है। चेरी ऑर्चर को हाँ इन्होंने एपिक थिएटर करके बनाया है, एक किस्म का चेरी ऑर्चर शुरू मार्च में और अप्रैल में होता है और जाके खत्म अक्टूबर में होता है। 6 महीने का ड्रामा वो आपको दिखाया है, उसके अंदर छोटे छोटे से एपिसोड दिखाए हैं जिनको चैप्टर वाइज कहते हैं। तो इस तरह से नावल में भी होते थे छोटे छोटे चैप्टर। उन्होंने कहा ड्रामे को ऐसे बनाओ कि ड्रामा आपको नावल लगे, और स्पेक्टिकल जो पार्ट्स है ना, जैसे कि आप यहाँ पर उसने स्पेक्टिकल कहा है हमारे स्टेज की सेटिंग को, ठीक है, जो आप बैकग्राउंड की और सेटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें ड्रामे को क्या करना है, सप्लीमेंटेड कर देना है आपने उसे आके। यहाँ पर आप आके आपने ड्रामे के उस हिस्से को पीछे जाके कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि आपने एलेबोरेट बताना है, डिस्क्रिप्शन देनी है। किसकी डिस्क्रिप्शन देनी है? बंदे की और हालात की। अब देखिए अगर आपने पीछे से पहाड़ दिखाए हैं, तो आपने बताया कि बंदे के हालात खराब है, बंदा जनाब पहाड़ों में फंसा हुआ है और वो दुनिया में नहीं आया हुआ, तो पहाड़ी लिबास उसने उस लिहाज से पहना हुआ है। अब अगर वेटिंग फॉर गोडो की तरफ चले जाए, तो उन दोनों के पीछे एक दरख्त दिखा दिया गया था, एक सड़क दिखाती गई है, तो उनका सिनेरियो ये था कि सड़क पे खड़े हैं और अपने दरख्त के साथ जो है उनका लिंक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्टेज सेटिंग में आपको डिस्क्रिप्शन बताई थी, और डिस्क्रिप्शन भी आपको बताने का मकसद क्या था, आप इससे सिंबोलिज्म का अंदाजा लगा ले। अगर फूल बहार दिखाई गई है, तो पता लगे जी हालात अच्छे हैं, पीछे के बहार और फूल खिले हुए हैं। ये आपको जो स्टाशा की जो स्टोरी थी ना, वो कौन सी स्टोरी थी, वो वापस आता है जो घर अपने लौट के वो अंधा हो जाता है, स्कूल खोलना चाहता है, आपका एक नावल था उसमें रिटर्न ऑफ द आपको नेटिव्स। रिटर्न ऑफ द नेटिव, बिल्कुल उसी की स्टोरी है। उसमें आपको ये सारी सेटिंग बताई जाती है, जब वो अच्छे हालात होते हैं तो वहां पे फूल खिले होते हैं, जब बुरे हालात होते हैं तो वहां पे पहाड़ें होती हैं। तो सिचुएशन आपको डिस्क्राइब की जाती है स्टेज सेटिंग के साथ, और यही डिटेल्स आपको जो होती है ना स्टेज की डायरेक्शन से भी पता चल जाती है। इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेज, ये जैसे सिंबोलिज्म है, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन होती है। इब्सन चेंज कर देता है मीडियम ऑफ ड्रामा के, ड्रामे के जरिए को बदल के रख देते हैं मिस्टर इब्सन, क्योंकि उन्होंने यूज किया है प्रोज की लैंग्वेज को ट्रेजेडी में। सबसे बड़ी बात अंडरलाइन करें, पहले ड्रामा पोएटिक फॉर्म में भी लिखे जाते थे, एक और पॉइंट आ गया आपका। अब इब्सन ने क्या किया, इब्सन ने नसर में ड्रामा लिखा, नसर में नावल लिखा जाता था, ड्रामा आपने याद है आपका ईडिपस भी पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, और आपका ये जो है ड्रामा थैलो भी पोएटिक फॉर्म्स में है, और डॉक्टर फॉस्टस भी पोएटिक फॉर्म्स में है। इब्सन का एक और काम ये था कि इसने प्रोज में लिखा, तो अब इसका मूड लिखे प्रोज, एक और आपका वर्ड आ गया, नई सेटिंग क्या है, प्रोज हो गई है। अब अर्लियर ट्रेजिडी जो हुआ करती थी वो वर्स में लिखी जाती थी, और पोइट्री की लैंग्वेज होती थी, और वहां पर आपके इमोशंस जो थे वो बताए जाते थे। प्रोज जो थी वो लैंग्वेज को रीजन कहा जाता था, लोग कहते थे पोइट्री को लिखो क्योंकि पोइट्री से आपके जज्बात उभरते हैं, आपके रोने पिटने जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रोज लिखोगे तो बीकन की तरह आप कोई अक्ल की बात करोगे, आप कोई प्रोवर्ब्स लिखोगे, आप
कोई इमोशनल चीज नहीं लिख सकते हो। इब्सन ने ड्रामा को सीरियस बना दिया, ड्रामा को एनालिटिकल बना दिया। इब्सन ने ऐसा काम किया कि हम ड्रामा को तजजियाती तौर पर देखने लग गए। डीअटैच्ड स्टडी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन, ह्यूमन स्टडी जो हो रही थी ना, ह्यूमन के हालात की जो स्टडी थी, उसने उसका ताल्लुक खत्म कर दिया। अब इब्सन ने जब राइटिंग की, तब उसने हमारी डी अटैचमेंट कर दी, उसने हमारे हमें अलहदा करके रख दिया इंसान के सिचुएशन से। इंसानी सिचुएशन हमेशा जज्बाती होती है, रोना पिटना जल्दी से आ जाता है, हंसी जल्दी से आ जाती है, दुखी हो जाता है ना इंसान की, उसने कहा हालात को निकाल दो। अब उसने लिखा क्या था, रोट उसने किया जनाब ड्रामा प्रोज की फॉर्म में। एक और पॉइंट आ गया, क्लासिकल एज में अगर हम चले जाते हैं तो ड्रामे का मकसद क्या था, ड्रामे का मकसद था जनाब क्या करना है आपको, पल्पिट करना है। पल्पिट करना है यानी यहाँ पर उसने आपको खिताब देना है। पल्पिट को अंडरलाइन करें, ये आपको दरस देते थे वे, जैसे खतीबाना नहीं होते, वो आके मंबर पे मौलवी आता है तो दरस देता है, खुतबा देता है, ऐसे ड्रामा होते थे। अब ड्रामा जो थे अगर हम सोफोक्लीस के टाइम पे चले जाते हैं तो, क्योंकि उनमें मजहब शामिल था इसीलिए वहां पर खुतबात लाजमी थे। अब ड्रामा जो हो गए हैं वो ड्रामा हमें यकीन दिलाते थे कि रिलीजियस बिलीफ पे लोगों को कायम करो, मजहबी यकीन लेके आओ लोगों के अंदर, इसीलिए खतीबाना ड्रामे लिखे जाते थे। अब यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता था आपके सामने कुछ मजहबी रस्में, और वो मजहबी रस्में जो उनके टेम्पल और मंदिरों में की जाती थी, तो जो थिएटर होता था ना वो एक मंदिर समझा जाता था, और जो प्ले राइटर था उसको एक पादरी समझा जाता था कि मंदिर के अंदर हमें एक पादरी आकर सिखाएगा अच्छे काम, तो हम अच्छी नीयत से सीख कर जाएंगे। उस वक्त पॉसिबल था बिकॉज द क्लासिकल ड्रामा बिलोंग टू द रिलीजियस सोसाइटी, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी रिलीजियस थी, लोग अपने अपने खित्ते में एक मजहब पर यकीन रखते थे। अब यहाँ पर कई खित्तों के लोग एक इलाके में कई मजहबों पर यकीन कर रहे होते हैं। हमारे सामने वाले फ्लोर पे चले जाते हैं, हम अपने सामने वाले घर में जाते हैं, वहां क्रिश्चियंस रहते हैं, साथ वालों पे जाते हैं वहां इंडियंस रहते हैं, मे भी हिंदू है मुसलमान क्या है, इधर जाते हैं इधर अफगानी रहते हैं पठान है, हर एक की रिलीजियस सोसाइटी जो है ना अब इकट्ठी हो गई है। तो पहले क्या था कि इलाकों में लोग इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाते थे, लोग क्या थे, लोगों के वहां पर एक जैसे ही यकीन होते थे, उनकी सेम ही सोच होती थी। जैसे अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हम एक जैसे लोग हैं, हमारी एक ही सोच है, लेकिन यहाँ पर जब हम मुख्तलिफ लोग देखते हैं ना, मुख्तलिफ कल्चर के लोग देखते हैं, मुख्तलिफ सोचे देखते हैं, तो फिर पता लगता है कि वो दुनिया में तो बहुत कुछ पाया जाता है, तो डिफरेंट उनके बिलीफ हैं यहाँ पर जो पाए जाने वाले लोग हैं। अब सोसाइटी इस वजह से खुली हो गई, हर एक के दिमाग के हिसाब से उसके पास किताब आ गई। यहाँ पर पुराने लोगों का एक ही मजहब था, एक ही सोच था, एक ही यकीन था, और जिंदगी गुजारने का एक ही तरीकाकार था। ये होमोजीनियस सोसाइटी थी। होमोजीनियस सोसाइटी की तरफ अगर चले जाते हैं तो ये होते हैं इसके अंदर सारे जो इकतदारे थी ना एक जैसी पाई जाती थी। होमोजीनियस वैसे हम जिन्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम जिन्स को अगर हम सीधा करें तो एक जैसी सोसाइटी आ जाएगी। अब यहाँ पर डिसइंटीग्रेटिंग सोसाइटी जो थी, डिसइंटीग्रेटिंग सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है, ये वो सोसाइटी है जिसकी सिमतें बन गई हैं, जिसके अंदर अलहदा रस्ते आ गए हैं, जिसने अपनी रुख बदल लिए हैं। उसमें एवरीवन का अपना ही एक यकीन है, उसकी अपने ही आइडियाज हैं, क्योंकि उसकी अपना ही तलीमी लेवल है, अपना ही मेयार है। ड्रामाटिस्ट जो थे वो कैन नॉट प्रीच एनी आइडिया। अब उन्होंने कहा हमने नहीं प्रीचिंग करनी, अब हमने तुम लोगों को किसी आइडिया की तबलीग नहीं करनी है, बिकॉज दैट विल मेक हिम पार्टिज़न और सेक्टेरियन। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम आपको कोई चीज नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम तरफदारी कर देंगे, पार्टीजन कर देंगे। हम अगर कुछ सिखाएंगे तो कहेंगे अपने मजहब की तरफदारी कर रहा है, ठीक है, अपने सेक्टेरियन के सेक्टर से निकला, अपने खास जमात की पैरवी कर रहा है जनाब, ये हमें ये सिखाता है। हम ये कहते हैं ना, हम कोई बात कहता तो कहते हैं अपने फितने फैला रहा है, अपनी बातें ही कर रहा है, क्योंकि अपने कुनबे से जो, अपने मजहब से जो, अपने अकीदे से जो चीज है वो हमें बता रहा है। अब वो कहता है हमने नहीं आपको ऐसा कुछ भी बताना। मॉडर्न ड्रामे का एक और मूड आ गया, आपको प्रीच नहीं कर रहा है, इसलिए मॉडर्न ड्रामा डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक मॉरल लेसन, यहाँ से हमें कोई अखलाकी दरस नहीं मिलता है। डॉक्टर जॉनसन सोचते हैं कि ये जो स्टेज था वो क्या बन चुका है, वो अब थिएटर बन चुका है, अब स्टेज जो थे वो थिएटर बन चुके हैं। यहाँ पर जो जो ड्रामाटिस्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें हालात दिखाते हैं और छोड़ देते हैं ओपिनियंस और तबसरे हमारे ऊपर, स्पेक्टेटर्स के ऊपर, तमाशाई के ऊपर। ये डॉक्टर जॉनसन की आपकी ये कोटेशन भी बन जाती है अगर इसको आप याद करें तो, डॉक्टर जॉनसन के नाम से बड़ी अहम कोटेशन है, और यही मॉडर्न ड्रामे का सिनेरियो है। नो एंड
एंड इज ऑन द स्पेक्टेटर्स, पब्लिक बताए अपने एंड खुद रखो। ड्रामाटिस्ट कोशिश करते हैं कि वो डीअटैच्ड रहें, अपने आप को अलहदा रखें कि आपको कोई मॉरल लेसन एंड देकर जाए। टेक्निकली मॉडर्न ड्रामा जो है वो बहुत ही इनोवेटिव है, इनोवेटिव निकाल के रखें जनाब, इसमें बड़ी जदीद ईजादें हुई हैं मॉडर्न ड्रामा के अंदर, वेरी एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा फैलाव हुआ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिम्बोलिज्म का इस्तेमाल हो गया है। सिम्बोलिज्म नावल में भी आई है, ड्रामा में भी आई है, आप कई मतलब निकाल सकते हैं। मैं अपनी सोच से मतलब निकालूंगी, आप अपनी सोच से निकालेंगे। मॉडर्न ड्रामा ने क्या कर दिया है, बना दिया है ऑल अवेलेबल डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप और मैं हम बातें करते हैं जिन तरकीबों के साथ, जिन डिवाइसेस के साथ, जिन लिटरेरी टर्म्स के साथ वो हमारी गुफ्तगू में शामिल है, उनका इस्तेमाल किया है उसने। जैसे कि इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और नाइटमेयर्स, इनको अंडरलाइन करके रखें। इम्प्रेशनिज्म आपको दिखाया गया है हार्ट ऑफ द डार्कनेस के अंदर, एक्सप्रेशनिज्म आपको दिखाया जाता है जब आपके तासुरात दिए जाते हैं, सरियलिज्म आपको कॉलरिज की स्टोरीज में दिया जाता है, नेचुरलिज्म आपको चरी ऑर्चर में उसने दिखाया है, रियलिज्म आपको उसने हैटा में दिखा दिया है, नाइटमेयर्स उसने आपको वेटिंग फॉर गॉडो में दिखा दिए हैं, एक्सप्रेशनिज्म आपको इन सब के अंदर ही नजर आते हैं, सारे ही अपने तासुरात पेश करते हैं आपके सामने। लिहाजा ये जो इस्तेमाल हो रहा है एस्टेब्लिश्ड ड्रामेटिक टेक्निक्स के अंदर, वहां पर पपेट्री और क्लोइंग, सोलिक्यूज और हॉर्स प्ले भी यूज हो रहे हैं। पपेट्री क्या होती है, पपिट नहीं होते जैसे पपेट शो होते हैं, कठपुतली तमाशे दिखाए जाते हैं, आप कठपुतली तमाशे भी करके आपको दिखा दिया जाता है, याद है पहले कठपुतलियां का भी नाच दिया जाता था उनके साथ, क्लोइंग जो जोकर बन जाती है और आके आपको सारी बात करते हैं, सोलिलोक्विज होती है जो तन्हाई में बात करते हैं, जैसे डॉक्टर फोस्टर अकेले बात करता था, अकेले ही वो कितनी बातें कर लेता था, और ये हमारे पास उसने भी की थी, मुंह इधर करके जो बात करते हैं ना, जब मुंह फेर के बात करते हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं लेकिन स्टेज वाले नहीं देखते, साथ वाला कैरेक्टर नहीं सुनता, तन्हाई में बात करना। हॉर्स प्ले, यहाँ पर आपको ऐसे हॉर्स प्ले दिखा दिए जाते हैं जैसे उद्यम नहीं मचा देना, हॉर्स प्ले यहाँ पर उद्यम मचा देना, जैसे उद्यम मचा देता है लकी की स्पीच हो रही होती है तो ये पीछे से उद्यम मचाया होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रागन ने कभी टोपियां फेंक रहे होते हैं, कभी उसको मुंह चुरा रहे होते हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, फिर एंड पे पूरे स्टेज पे एक उद्यम मच गया होता है। ये है अब एस्टेब्लिश्ड हो रहा है ड्रामेटिक टेक्निक्स के अंदर। आगे चलते हैं तो जनाब, यहाँ पर इस्तेमाल क्या होता है, लेटेस्ट स्ट्रेच टेक्निक इस्तेमाल होती है और बेनिफिट्स आपको दिखाए जाते हैं जो कि आपको डिवाइस ऑफ लाइट और साउंड्स के होते हैं, यानी आपको अच्छे स्पीकर्स दे दिए जाते हैं, अच्छी लाइट्स दे दी जाती हैं, उनके फवायद आपको मिल जाते हैं, और इवन द यूज ऑफ मास्क भी हो जाता है, यानी यहाँ पर आपके सामने जो स्टेज पर आने वाले लोग हैं वो अपने मुंह पर कोई मास्क भी चढ़ा कर आ सकते हैं। मॉडर्न ड्रामा क्या है जनाब, इन्फ्लुएंस्ड है किसके साथ, फिल्म से और ये टीवी टेक्निक्स के साथ, इन्फ्लुएंस इसका लिख लें जनाब, इन दोनों से इन्फ्लुएंस है हमारा मॉडर्न ड्रामा, डन।